नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। भारत सरकार के युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा NSS के तहत पूरे देश में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के 3 स्तर होंगे, जिला स्तर, राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर। 18 से 21 वर्ष के विद्यार्थी भविष्य के भारत संबंधी अपना विजन 2 मिनट में रखेंगे। ये जानकारी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज पठानकोट के प्रिंसिपल राकेश मोहन द्वारा दी गई, जब आज कॉलेज में जिला स्तर पर इस प्रतियोगिता की शुरुआत पठानकोट के लमिनी में हुई। राष्ट्रीय स्तर पर पहले 3 स्थान हासिल करने पर 3 लाख, 1.5 लाख व 1 लाख का नगद पुरस्कार विजेताओं को दिया जाएगा। पेशा संबंधी हमारे सहयोगी साहिल कुमार की एक रिपोर्ट। सभी छात्रों, मुख्य मेहमानों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, महिलाओं के जीवन में प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई ये योजना सुकन्या समृद्धि योजना और मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को पूरा हक दिया गया है कि वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। Earth is a place where we all are living, but it is not merely our possession. It is a treasure of our upcoming generations that is meant to be preserved by us. To do so, United Nations have laid some goals that is known as Sustainable Development Goals. And to achieve them, we need to ensure ease of living for each and every person of the society, each and every citizen of the country. गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पठानकोट के लिए एक बहुत ये गौरव का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो यूथ पार्लियामेंट हो रही है वहाँ उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑर्गेनाइज करने का श्रेय हमें मिला है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की एक ऐसी प्रेरणा है। वो चाहते हैं कि भारत में सभी 18 से 25 तक उम्र के विद्यार्थी उन विषयों के ऊपर अपने विचार रखें जो विषय बड़े ज्वलंत हैं, जो हमें सीधा अफेक्ट करते हैं। राष्ट्रभक्तों के विचारों का भारत कैसा हो, हमारे विचारों का भारत कैसा हो, भ्रष्टाचार को कैसे लगाम डाली जा सके, भाई भतीजावाद को कैसे ख़त्म किया जा सके, स्वच्छ भारत का सपना कैसे पूरा हो सके, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के कार्यक्रम हो और विद्यार्थियों के अंदर इस तरीके की अवेयरनेस पैदा हो जाए जिससे वो अपने हर विषय के ऊपर विचार रखें। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। हमारे कॉलेज के बच्चों में बहुत उत्साह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे कॉलेज के विद्यार्थी ही नहीं बल्कि पठानकोट के ज़िले के सारे विद्यार्थी यहाँ आएंगे, माई गवर्नमेंट पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे और 2 मिनट की वीडियो अपलोड करेंगे, वॉकिंग स्क्रीनिंग के लिए आएंगे और बच्चों के अंदर उत्साह पैदा हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। सर, इससे बच्चों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है, एक तो जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का पुरस्कार मिलने वाला है। दूसरा, बच्चों के अंदर जो एक संकीर्ण दृष्टि रहती है उससे बच्चे वो बाहर निकलेंगे,